को जो है कोर्ट ने फटकार लगाई, बोला कि एविडेंस के साथ क्यों छेड़खानी करी गई, क्राइम सीन को क्यों सील नहीं किया गया, क्यों अब तक जो है कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और देश की भावना का आदर करती। कलकत्ता रेप और हत्या मामले में पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है और कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक ममता बनर्जी की सरकार को फटकार मिल रही है, विरोध हो रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी सिद्ध हो गया कि ममता बनर्जी की निर्ममता वाली पुलिस ने दोषियों को बचाने का, सबूतों को मिटाने का पूरा प्रयास किया। बच्ची के डायरी के पन्ने किसने पाड़े, सबूतों को किस तरह नष्ट किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं हैरान हूं कि इंडी गठबंधन की बंगाल की संविधान सरकार आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के राज में जान भी खतरे में है, जहान भी खतरे में, मान सम्मान भी खतरे में। आज बेटियों के मन में भय का वातावरण पैदा हो गया और ममता बनर्जी अहंकार में तानाशाही सरकार चला रही हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की पार्टियां, जो कल तक एक नेता प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज चुप क्यों है, चुप क्यों है, देश की बेटियां जानना चाहते हैं। बाकी खड़गे जी और बाकी लोग भी साथ रहेंगे, किस तरीके से देखते हैं अलायंस और बाकी चीजों की भी मीटिंग होने की चांस? शुक्र है चुनाव घोषित हुआ और राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर आया। राहुल जी, शांति विकास व विश्वास का जम्मू कश्मीर, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देख के आइए और 370 और 35 ए पर अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। एक समय था जब आप लोग सरकार चलाते थे, 70 साल आप तीन परिवारों ने, गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, तीनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया। 70 साल आतंकवाद, अलगवाद, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म टैग दे दिया था। आज जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल का टैग उतारकर टूरिज्म कैपिटल की ओर बढ़ा है। कृपया राहुल जी, शांति और खुशहाली की ओर बढ़ रहा जम्मू कश्मीर, विकास विश्वास का जम्मू कश्मीर, भारी पोलिंग वाला जम्मू कश्मीर, इंडस्ट्रियल हब बनता जम्मू कश्मीर देखकर आइए और 370 और 35 ए पर अपना स्टैंड स्पष्ट करिए।